यह भी ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि जो रे आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बार वो सरफेस से टकराएगा, और जितनी ज्यादा बार टकराएगा उतनी ज्यादा बार वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर है वो डिपेंड्स करता है इंटेंसिटी पे, तो मोर द इंटेंसिटी मोर द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ओके, इस पिक्चर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है इसकी इंटेंसिटी कम है इस वेव की, तो ये एक दो तीन बार सरफेस से टकरा रहा है तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और जो दूसरी वेव है उसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा है तो वो 6 बार सरफेस से टकरा रही है तो वो 6 बार इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगी। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वेव की उतनी ज्यादा बार टक्कर होगी सरफेस के साथ और इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा संख्या में